नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कोरोना के खिलाफ ऑल इंडिया मूवमेंट शुरू हो चुका है। जी हां, हमने इसे नाम दिया है क्विट कोरोना मूवमेंट, जिसके तहत आज पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। आज कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन 119 जिलों के 260 सेंटर्स पर हो रहा है। इसमें देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। दिल्ली में भी 3 जगहों पर ड्राई रन चल रहा है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में चल रहे ड्राई रन में सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन भी पहुंचे, तो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने दरियागंज के एमसीडी डिस्पेंसरी में पहुंचकर पूरी व्यवस्था का जायजा लिया। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। हम बार बार कह रहे हैं ये क्विट कोरोना मूवमेंट है। जी हाँ, कोरोना ने पिछले साल बहुत परेशान किया, बहुत तड़पाया, और अब हमें वक्त वो मिल गया है जब हम कहें कि ये क्विट कोरोना का समय आ गया है। जी हाँ, कोरोना इस देश से कोरोना को जाना होगा, और इसके लिए ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरा मूवमेंट आप देखिए, देश के 100 शहरों में चलाया जा रहा है, जहाँ पर जीटीबी अस्पताल की तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली के 2 इलाकों की तस्वीर, दरियागंज की भी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जायजा ले रहे हैं। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में डॉक्टर हर्षवर्धन ने ड्राई रन की एक तैयारी का जायजा लिया। पूरे देश में, सभी स्टेट्स में और सभी यूनियन टेरिटरीज में, लगभग 119 डिस्ट्रिक्ट्स में इसी प्रकार के 260 ऐसे स्थान जहां की वैक्सीनेशन जब शुरू होगा वहां पर लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, वहां पर इसी प्रकार का ड्राई रन या इसी प्रकार की मॉक ड्रिल, जिसमें लगभग वो सब काम जो बारीक से बारीक चीज़ें भी हो सकती हैं उनको ट्रायल के रूप में किया जा रहा है, और उसका विश्लेषण, उसको देखना, एक्सेप्ट एक्चुअल वैक्सीन को देने के अलावा सारे काम किए जा रहे हैं। कैसे लोग आकर वेटिंग रूम में बैठेंगे, कैसे वैक्सीनेशन लेने के बाद वो ऑब्जर्वेशन के अंदर बैठेंगे, आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में उनको रखा जाएगा, कैसे अगर कोई एडवर्स इवेंट होता है फॉलोइंग वैक्सीनेशन, उसको मैनेज करने के लिए क्या इमरजेंसी व्यवस्था है, क्या उसके लिए इमरजेंसी किट्स हैं, एडलिन दवाई है, उसको शिफ्ट करने के लिए, उसके लिए एक्सपर्ट्स के लिए, ये जो जो व्यवस्थाएं हैं, ये सारी चीज़ों को आज, और जो फिर वैक्सीनेटर्स और उनके साथ जो उनके हेल्पर्स हैं उनको भी डिजिग्नेटेड काम दिया गया है। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 करके अलग अलग सबके काम हैं। 2000 से ज़्यादा तो मास्टर ट्रेनर्स को डेवलप किया है। मास्टर ट्रेनर्स के बाद सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो है ट्रेनिंग की है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, 700 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स में, 750 डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रेनिंग्स वगैरह डिटेल में कंप्लीट हो चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी को आपने सुना, और अब दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी का वक्त है, क्योंकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा दिल्ली में कोरोना वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का यह बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों को मुफ्त कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। उन्होंने दरियागंज में एमसीडी डिस्पेंसरी में ड्राई रन का जायजा लेने के दौरान ये बड़ी बात कही। साथ में इसको लिंक किया गया है और तैयारियां हमारी पूरी हैं, और दिल्ली सरकार मुझे लगता है 1,00,000 तक वैक्सीन लगाने की एक दिन के अंदर तैयारी कर चुकी है। और शुरुआत में हम लोग जो वैक्सीन लगाएंगे, सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स का होगा नंबर, उसके साथ साथ जो 50 साल से ऊपर लोग हैं दिल्ली में उन सबको लगाई जाएगी। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जितने जैसे पुलिस है, सफाई कर्मचारी हैं, जल बोर्ड के लोग हैं, तो उन सबको, मतलब फर्स्ट इज़ हेल्थ केयर वर्कर्स, सेकेंड इज़ फ्रंटलाइन वर्कर्स, थर्ड इज़ 50 से उम्र में ज़्यादा जो लोग हैं, और जो 50 से कम हैं परंतु को मॉर्बिड कंडीशन हैं, कोई बीमारी है, उनको लगाया जाएगा। लगभग 51,00,000
लोगों की दिल्ली में गिनती बनती है जिनके लिए फर्स्ट फेज के अंदर लगाया जाए। सर, वैक्सीन लोगों को फ्री मिलेगी क्योंकि वैक्सीन जी दिल्ली के अंदर तो वैसे भी सारी दवाइयाँ सारे इलाज फ्री है, बिल्कुल फ्री होगी। सर, वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से अभी कंट्रोवर्सी सामने आ रही है धार्मिक, किस तरीके से आप देखते हैं कि वैक्सीन किस तरह? अभी मेरी नॉलेज में कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई है, मैंने अभी तक कोई कंट्रोवर्सी। सर, अगर लोगों को किसी तरीके की दिक्कत हुई वैक्सीन के बाद तो फिर उसके लिए क्या तैयारी? हमने बिल्कुल हर जगह पर मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए, जहाँ पर आप खड़े हैं मॉनिटरिंग के लिए है। जो भी पेशेंट आएंगे 10-10 लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग करके बैठाया जाएगा, आधे घंटे तक उनको ऑब्जर्व किया जाएगा। अगर कोई भी हल्का सा भी मतलब सर दर्द होता है या कोई परेशानी होती है तो यहाँ पर हमने इमरजेंसी रूम भी बनाया है, उसके अंदर उसको ट्रीट करेंगे। साथ ही साथ हॉस्पिटल के साथ लिंकेज भी है, अगर जरूरत होगी तो हॉस्पिटल। बाकी जो दो वैक्सीन पर काम चल रहा है उसका ट्रायल रन हम नहीं कर रहे हैं, जो सरकार की तरफ से किया जाएगा। नहीं, सरकार ट्रायल रन नहीं करती। हाँ। ये वैक्सीन का ट्रायल रन नहीं हो रहा है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये वैक्सीन लगाने का ड्राई रन हो रहा है, वैक्सीन का ट्रायल रन कंपनीज करती है, हम नहीं करते। थैंक यू अच्छा और दूसरा